दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कुछ देर बाद ऐसा बार बार पॉपअप आ जाता है कि आपके फ़ोन में वायरस है या फिर व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे हैं, जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप की जगह कुछ दूसरा वेबसाइट खुल जाते हैं या फिर कोई ऐप इंस्टॉल होने लगते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होते है बार बार, तो मैं आपको बता दूँ आपके फ़ोन में जो कि मैलवेयर इंस्टॉल है। आज के इस वीडियो पर मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप इसको अपने फ़ोन से कम्प्लीटली रिमूव या अनइंस्टॉल कर सकते हो। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैलवेयर्स अनइंस्टॉल करने का सबसे बेसिक और आसान तरीका है, आप अपने फोन को एक बार रीसेट कर लो, यानी फैक्ट्री रीसेट कर लो। इससे आपके फोन में जितने भी मैलवेयर्स इंस्टॉल थे, इन सारे अनइंस्टॉल हो जाएगा। अभी फैक्ट्री रीसेट करने से फोन का डाटा नहीं रहता है, वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो बिना फैक्ट्री रीसेट के आप कैसे इन सारे मैलवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपके फोन में जो जो ब्राउजर इंस्टॉल है, लाइक रियलमी फोन में उनका डिफॉल्ट ब्राउजर रहते हैं, गूगल क्रोम रहते हैं, पहले आपको उन सारे ब्राउजर का डाटा क्लियर करना है, देन उसका नोटिफिकेशन ऑफ करना है। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल के लिए हम क्रोम ब्राउजर को ले लेते हैं। तो ऐसे आपको ऐप पर प्रेस करके जाना है, ऐप इन्फो पर, देन आपको जाना है स्टोरेज यूजेस। इधर आपको क्लियर कैश और क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको दोनों पर ही क्लिक कर देना है। देन इधर से आपको क्लियर ऑल डाटा कर देना है। डाटा क्लियर होने के बाद आपको फिर से ऐप इन्फो पर आना है और नीचे आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। इधर से एलो नोटिफिकेशन, ये जो ऑप्शन है, आपको इसको टर्न ऑफ कर लेना है। ऐसे करके आपके फोन में जितने भी ब्राउजर इंस्टॉल है, इन सारे ब्राउजर का डाटा क्लियर करना है, देन नोटिफिकेशन ऑफ करना है। ये करने के बाद आप अगला स्टेप फॉलो करो। आपको अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाना है, नीचे आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। अभी अलग अलग फोन का अलग अलग ऑप्शन हो सकता है, आपको अपने सर्च बार पर, यानी सेटिंग के अंदर जो सर्च बार है, उस पर सर्च कर लेना है ऐप मैनेजमेंट। अभी जितने भी ऐप्स आप लोग देख पा रहे हो, इन सारे ऐप जो कि आपके फोन में इंस्टॉल है, इनमें से कुछ ऐप से आप खुद से इंस्टॉल किए हो, कुछ ऐप फोन के साथ इंस्टॉल था जिसको ब्लोटवेयर कहते हैं, और कुछ ऐसा भी ऐप्स होगा जिसको ना तो आप इंस्टॉल किए हो ना तो फोन के साथ इंस्टॉल था, बेसिकली उसको ही कहते हैं मैलवेयर। अभी ये आपको ढूंढना होगा कौन सा ऐप आपने कभी भी इंस्टॉल नहीं किया है या फिर आपके फोन में पहले कभी भी नहीं देखे थे। तो ये मुझे एक ऐप मिला दोस्तों, पता नहीं कहां से इंस्टॉल हो गया, मैंने इसको कभी भी इंस्टॉल नहीं किया है। तो ऐसे जितने भी ऐप्स आपको दिखे, आपको उस ऐप पर क्लिक करना है, देन इधर से आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अभी आप बोलो कि ऐप तो आप होम स्क्रीन से अनइंस्टॉल कर सकते थे, एक्चुअली जो मैलवेयर है दोस्तों, वो होम स्क्रीन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, होम स्क्रीन पर वो हाइड होके रहते हैं। इसलिए आपको सेटिंग के अंदर से ये ऐप लिस्ट पर आना है, ठीक है। इधर आपको जो कि सारे ऐप्स देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे सारे अननोन ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आप अपने फोन को एक बार रिबूट कर लीजिए, आपका जो मैलवेयर है वो रिमूव हो जाएगा। अभी देखो, कुछ ऐप्स ऐसा भी होता है जिसको आपने कभी भी नहीं देखे हो, लेकिन वो सिस्टम के ऐप्स होता है, उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि ये एक ऐप है दोस्तों, ओ रोमिंग नाम का, इसको ना तो मैंने इंस्टॉल किया है, इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलते। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके फोन के सिस्टम ऐप से इसको अनइंस्टॉल करना नहीं है आपको। रिबूट होने के बाद दोस्तों, आपके फोन कंप्लीट एक मैलवेयर फ्री फोन हो जाएगा। पहले जितने भी प्रॉब्लम आते थे, पॉपअप एड्स आते थे, इन सारे एड्स जो कि रिमूव हो जाएगा और आप सुकून से अपने फोन यूज कर सकते हो। अगर मेरे इस मेथड आपके फोन पर काम किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट भी जरूर कर देना कि आपके फोन में काम किया। और ये प्रोसेस सभी एंड्रॉइड फोन के लिए सेम ही है दोस्तों, मैं रियलमी फोन पर करके दिखाया, आप किसी भी एंड्रॉइड फोन पर कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, @NT_Porter है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।